नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय धीमान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। कहते हैं जब हम मौके को हल्के में लेते हैं ना तो जीवन बोझ बन जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वक्त से पहले हालातों से लड़ा हूं, वक्त से पहले हालातों से लड़ा हूं, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं। आज एक अंकल मिले, उनसे बात हो रही थी। अंकल की उम्र थी करीब 65 साल। वो मुझे कहते हैं यार मैं भी ज़िंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था, ख्वाब बड़े बड़े थे, लेकिन ज़िंदगी ने कभी मौका ही नहीं दिया यार। मैंने अंकल से कहा कि अंकल मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है कि इस ज़िंदगी में ना भगवान एक बार मौका तो ज़रूर देता है, लेकिन कई बार क्या होता है हम उस मौके को भी हल्के में लेते हैं और वो मौका आगे निकल जाता है। मैंने एक कहानी सुनाई कि एक बिजनेसमैन एकदम अप टू डेट होके मर्सिडीज कार लेकर ना पेट्रोल पंप पे जाता है। एक लड़के को बुलाता है, कहते इसमें डीजल डाल दे। जब लड़का डीजल डालने के बाद पैसे लेने आता है ना तो वो बिजनेसमैन उसकी तरफ देखता है। लड़के की उम्र है 24-25 साल। उसकी तरफ देख के कहता है यार तेरी आंखें तो कुछ और कह रही, इसमें तो बड़े बड़े ख्वाब नजर आ रहे हैं, तेरे चेहरे का जो नूर है वो कुछ ऐसा कह रहा है कि तू जिंदगी में बहुत बड़े ख्वाब देखता है, बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता है। तो फिर पेट्रोल पंप पे क्या कर रहा है? लड़के ने हंस के जवाब दिया कि यस साहब मेरे बड़े बड़े सपने हैं, मैं भी बहुत बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, बस एक मौके की तलाश में। उस बिजनेसमैन ने पैसे दिए और अपना विजिटिंग कार्ड दिया उसको। बोला तू सही में अगर अपने सपने पूरे करना चाहता है ना तो पता नीचे लिखा हुआ कार्ड पे, यहाँ पे आ जा। कहता ठीक है। बिजनेसमैन निकल गया। लड़के को एक और गाड़ी वाले ने आवाज लगाई कि डीजल डाल दे। लड़के ने क्या किया, उस कार्ड को लेके ना हल्के में लिया और उसे पीछे फेंक दिया। लड़के के मन में आया यार ऐसे ही बस कोई भी कार्ड देके चला जाता है। लेकिन दोस्त हुआ क्या, एक साल के बाद एक और व्यक्ति मर्सिडीज लेके आया, अप टू डेट, काला चश्मा चेहरे पे, टाई पहनी हुई, और उसी लड़के से कहा चल गाड़ी में डीजल डाल। लड़के ने गाड़ी में डीजल डाला, बिजनेसमैन ने पैसे दिए और उस लड़के से कहा मुझे पहचाना? कहता नहीं पहचाना साहब। उसने अपनी आंखों से चश्मा हटाया तो वो लड़का हैरान हो गया। कहता राजू तू तो हमारे पेट्रोल पंप पे झाड़ू मारा करता था। कहता हाँ। कहता मर्सिडीज कैसे आई तेरी, तो यार पूरा जिंदगी बदल गई, ये कैसे? उस लड़के ने जवाब दिया याद कर आज से एक साल पहले एक बिजनेसमैन मर्सिडीज लेके आया था, उसने तेरे को बोला था कि तू जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, तो तूने कहा था हाँ साहब मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे बड़े बड़े ख्वाब हैं, बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन कोई मौका नहीं मिला। उसने तुझे अपना एक विजिटिंग कार्ड दिया और ये कहा था कि इस पर लिखे हुए पते के ऊपर आ जाना, पर तूने क्या किया था पता है? उस कार्ड को हल्के में लेके ना पीछे फेंक दिया था और तेरे पीछे मैं खड़ा था। मैंने वो कार्ड उठाया, उसके पास गया और उसी का नतीजा है आज ये। दोस्त अगर तूने उस कार्ड को हल्के में ना लिया होता तो आज इस मर्सिडीज में तू होता। वो लड़का बहुत पछताया, उसको समझ लग गई कि हाँ यार कार्ड तो मुझे मिला था। बोलता वो कोई आम कार्ड नहीं था, वो एक सफलता का कार्ड था। पर होता पता क्या है दोस्त, समय और समझ दोनों
एक साथ में किसी खुशकिस्मत को ही मिलती है। जब समय होता है तब समझ नहीं होती, और जब समझ होती है तब समय नहीं होता। मैंने अंकल से यही बात कही कि अंकल जी ऐसा ही होता है ज़िंदगी के साथ, जब मौका आता है हम हल्के में लेते हैं और वो उसी मौके को दूसरा कोई एनकैश करा के हमारे सामने एक कामयाब व्यक्ति बनकर खड़ा हो जाता है, और हम किस्मत को, भगवान को, ज़िंदगी को कोसते रहते हैं। कि उसके लिए सतर्कता होना जरूरी है, जो इंसान सतर्क रहता है वही इंसान मौके का फायदा उठा सकता है। मैं एक शेर के साथ वाइंड अप करना चाहूंगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहते हर वक्त आपका ही नाम होगा, हर वक्त आपका ही नाम होगा, हर वक्त आपको सलाम होगा। अगर मुट्ठी में कर लिया आपने इस पल को, तो देखना दोस्त ये वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है, गॉड ब्लेस यू। जवाब जरूर देना अगर अच्छा लगो, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहता है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी में व्यस्त रहें। संजय धीमान आपकी सुख समृद्धि की कामना करता है। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।